हे व्हाट्सअप गाइस, दिस आयुष। सो गाइस, आज मैं हूँ ह्युंडई वर्ना में, और जो मैंने लास्ट टाइम पे वीडियो डाली थी ह्युंडई वर्ना का रिव्यू, उस पर काफ़ी कमेंट आए थे और लोगों ने मुझसे पूछा था कि भाई ह्युंडई वर्ना के जो स्पीकर्स हैं उनकी साउंड क्वालिटी कैसी है। तो आज इसी के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस, जो मेरे पास में ह्युंडई का ये ह्युंडई वर्ना का जो मॉडल है, जो वेरियंट है, इसके अंदर आते हैं चार स्पीकर, चारों इनबिल्ड स्पीकर हैं जो डोर्स पे आते हैं। तो इसमें मैं आपके म्यूजिक प्ले करके बताऊंगा जो इसकी डिफॉल्ट सेटिंग आती है उसके साथ में कैसा साउंड मिलता है, और अगर हम कुछ सेटिंग्स में चेंजेस करते हैं, जैसे बेस को बढ़ाते हैं या फिर मिड रेंज को बढ़ाते हैं, तो कैसा साउंड आता है। तो उसके लिए जो गाइस मैं म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ यहाँ पे, वो NCS का म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ, जिससे फ्यूचर में कोई कॉपीराइट इशू नहीं आए। और अगर आप कोई पंजाबी या फिर बॉलीवुड या फिर कोई इंग्लिश सॉन्ग सुनना चाहते हैं, तो उस टाइप के सॉन्ग के लिए आप मेरे को जाके फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, आयुष.cards के ऊपर जाके। उसके ऊपर मैं कुछ इस तरह का म्यूजिक डाल दूंगा जिससे कॉपीराइट इशू नहीं आए। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं इसके इनबिल्ट जो सेटिंग्स हैं उसके साथ में म्यूजिक को प्ले करके। तो इसकी मैं वॉल्यूम फुल कर देता हूँ। और आप यहाँ से इसका जो साउंड है इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको क्लब नेचुरल लॉन्ज लाइव, तो मैं इसको क्लब पे कर देता हूँ। तो अब एक बार हम इसके जो साउंड्स की सेटिंग आती है इसको भी चेंज करके देख लेते हैं, तो उससे कितना इस पर इफेक्ट पड़ता है। तो मैं जाता हूँ सेटिंग्स पे, साउंड्स पे, इसके बाद में मैं जाता हूँ साउंड ट्यूनिंग पे, इसके बाद में जाता हूँ साउंड ट्यूनिंग पे। तो मैं यहाँ पे इसकी जो बेस है, मिड रेंज है, इन सबको कर देता हूँ फुल। और इसके बाद में अब हम चेक करते हैं कि साउंड जो है सेम म्यूज़िक के साथ में किस तरह से चेंज होता है। तो इसको मैं वहाँ से ही प्ले कर देता हूँ वापस से, और वापस से इसकी जो वॉल्यूम है उसको मैं कर रहा हूँ फुल। तो भाई, जो इसका साउंड है, जो इसके चार स्पीकर हैं, वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम करते हैं। अगर आप इससे ऊपर वाले वेरिएंट में जाते हैं तो उसके साथ में आपको चार स्पीकर साथ में दो ट्विटर भी मिलते हैं, तो लेकिन जो साउंड है वो ऑलमोस्ट सेम सा ही रहता है। और जो इसके इनबिल्ड स्पीकर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कार के बाहर जाके हमारे को साउंड किस तरह का मिलता है, अगर हम इसके चारों डोर्स, चारों विंडोज़ को अगर हम क्लोज करके रखते हैं तो हमारे को साउंड कैसा मिलता है, बाहर कितना साउंड आता है। तो जाके एक बार चेक कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं इसको फुल कर देता हूँ यहाँ से, और इसको पॉज करके अब बाहर चलते हैं और इसको प्ले करके देखेंगे कि किस तरह का साउंड आता है। चलते हैं बाहर। तो गाइस, अभी मैं आ गया हूँ गाड़ी के बाहर और मैं एक बार इसको प्ले करके देखता हूँ कि बाहर कितना साउंड आता है फुल वॉल्यूम पे। तो गाइस, बाहर ऐसा कोई खास साउंड नहीं आ रहा है, हल्की हल्की जो एक बेस की जो वाइब्रेशन टाइप की जो साउंड है वो ज़रूर आपको देखने को मिलती है, इसके अलावा ऐसा कोई खास साउंड नहीं आता। अगर हाँ, अगर आप कहीं बाहर पे हैं, बाहर खाली एरिया में हैं, तो डेफिनेटली आपको साउंड सुनने को मिल सकता है। तो इसके एक बार अंदर चलते हैं। तो गाइस, आई थिंक मैं मानता हूँ कि ह्युंडई ने जो इसके ऊपर काम किया है, इसके स्पीकर्स के ऊपर, वो काफ़ी तरीके से अच्छे से करा है। और इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर जो इसकी सेटिंग्स है वो काफ़ी अच्छी तरीके से एक डिफॉल्ट सेटिंग भी दी है। इसके अंदर अगर आप वॉल्यूम को फुल भी कर देते हैं तो वॉल्यूम फटती नहीं है। इसका जो साउंड है वो काफ़ी, मतलब एक बेस में आता है जिससे कि वो आपके कानों को चुभता नहीं है और आपको बिल्कुल भी आपको हर्ट नहीं करेगा कानों में, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। और मैं मानता हूँ कि अगर किसी को ज़्यादा कोई हाई लेवल का शौक नहीं है साउंड सिस्टम का, तो ये जो चार स्पीकर्स हैं वो आपकी जो नीड्स हैं वो डेफिनेटली फुलफिल कर देंगे। तो गाइज़, ये थी मेरी वीडियो ह्युंडई वर्ना के स्पीकर्स के ऊपर।
इसके साउंड सिस्टम के ऊपर। तो आपको ये वीडियो काम की लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई आपका फ्रेंड या आपका कोई फैमिली मेंबर नई गाड़ी लेने की सोच रहा है तो उसके साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।